नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं गोल्फी मिरर, हर पल आपके साथ। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? इस अज्ञाश्री योजना के तहत आप लोग को क्या बेनिफिट है, क्या फायदा? स्कॉलरशिप मिलेगा जिससे हम आगे पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोग कितने आगे, किस क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं? और इस तरह कितना स्टूडेंट है आप लोगों के साथ? इसके लिए आपको खुशी महसूस हो रही है? जी, हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है, इससे हम आगे पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं और डिप्टी मेयर का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनके बदौलत हम लोग को आगे भी पढ़ने का मौका मिलेगा। थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? सानिया सिद्दीकी। यहाँ पर बच्चों के लिए, स्टूडेंट तलबा के लिए गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल की तरफ से जो स्कीम निकली गई है, उसके लिए हम लोग मुफ्त में फॉर्म भर रहे हैं। हमारे पॉलिटिक ब्लॉक के और ANC के डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा के कहने पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारा मकसद ये था कि जो गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल की तरफ से जो स्कीम आती है बच्चों के लिए, वो बच्चों तक पहुँच जाए। ये कौन सी स्कीम है? अक्षयश्री है। अक्षयश्री हम लोग भर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई चार्ज नहीं लग रही है। और साथ ही साथ अक्षयश्री में मतलब स्टूडेंट को किस तरह का बेनिफिट्स मिलेगा इसमें? जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उसको अक्षयश्री स्कॉलरशिप के नाम पे कुछ पैसे दी जाती है ताकि उसके तालीमी सिलसिला जारी रहे। अभी किस किस क्लास के बच्चे जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं? ये क्लास 1 से लेकर क्लास PhD तक के बच्चे से पैसे आप उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। और क्लास 1 से 10 तक के बच्चों के लिए 50% मार्क्स कंपलसरी है, और क्लास 10 के बाद परसेंटेज वाइज अलग अलग स्कीम बनाई गई है, यानी कोई भी परसेंटेज वाला इसको भर सकता है। अभी ये कितना दिन तक चलेगा ये? अक्षयश्री का आखिरी डेट 15 नवंबर तक है। और यहाँ हम लोग का इरादा ये है कि हमारे इलाके में, यानी पोल्ट्री ब्लॉक में जितने भी बच्चे हैं उन तक का सारे का फॉर्म हम लोग फिल कर दें और उन तक ये खबर पहुँचा दें। बच्चे अभी इस योजना से उत्साहित दिख रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, मैंने अब तक जितनी भी फॉर्म भरी है आसनसोल के हरे इलाके में पोल्ट्री में बैठे हैं, तो देखने को मुझे यही मिला कि 50% बच्चों को पता ही नहीं है इस स्कीम के बारे में। जब स्कीम के बारे में पता ही नहीं होगा तो बच्चे महरूम रह जाते हैं। कुल्टी में आकर के आपको कैसा लगा कि कुल्टी में यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो लोग को इसकी जानकारी है? यहाँ पर मुझे लगा कि हमारे जो यहाँ पर जो हम लोग कैंप लगाए हैं और हमारे जो तबस्सुम आरा मैम हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज स्प्रेड किया, बच्चों को पता चल गया, बच्चे खुद ब खुद आ रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनके धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ और लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो जो इलाके में अपना है बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए। ये सिर्फ माइनॉरिटी स्टूडेंट लोग के लिए है या टोटली? सिर्फ माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए। धन्यवाद। अकेश्री माइनॉरिटी।